आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो मैं आज सुबह बहुत जल्दीबाजी में हूँ क्योंकि आज मुझे ब्राह्मण जमाना है और घर में पूजा हो रही है, अभी नवरात्रि की पूजा चल रही है। तो आज है चौथा दिन जो कि है माँ कुष्मांडा की। आशा करती हूँ हम माँ आदिशक्ति हम सब पे कृपा कर। सबसे पहले मैं ब्रश ही करने लगी क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा हड़बड़ी में हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ क्योंकि आज मुझे ब्राह्मण को जमाना है और जस्ट सुबह के 7 बज रहे हैं और जस्ट मुझे अभी फ्रेश होके आना है, नहा के आना है और उसके बाद फिर जाऊंगी नीचे। तो मैं आ चुकी हूँ अभी रेडी होके, और ऐसे तो मैं हर रोज बिना नहाए ही खा लेती थी, बट अभी नवरात्रि चल रही है तो मैं बिना नहा के पूजा किए बिना नहीं खाती हूँ, प्रणाम कर लेती हूँ माता रानी को तभी खाती हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी और मैं आ चुकी हूँ रेडी होके, और मैंने जैसे आपको कहा ही था कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए जस्ट 2 मिनट में ही मैं जा रही हूँ अब नीचे क्योंकि नवरात्रि की पूजा चल रही है, पूजा समाप्त हो गई होगी तो आज ब्राह्मण को जमाने की हमारे घर की बारी है। ईशु नहा रही थी तो मैंने सोचा ईशु के कपड़े निकाल के रख दूँ, नहीं तो ये लोग कोई भी कपड़े उड़ निकाल के पहना देंगे, तो इसलिए मैंने कपड़े निकाल के रख दिए तभी नीचे जा रही हूँ। और ये देख लो सारे पूजा के बर्तन वगैरह सब चीज़ दीदी धो के रख दी हैं क्योंकि अधिकतर पूजा वगैरह में पीतल के ही बर्तन चलते हैं, और यहाँ पे मम्मी पापा दोनों पूजा कर रहे थे बैठ के क्योंकि आज मम्मी का था फास्टिंग। और ये है हमारा कुल मंदिर जहाँ पे नवरात्रि की पूजा चल रही है, पंडित जी और भाभी मिलके पूजा कर रहे हैं। भाभी जो है वो 9 दिन की फास्टिंग करती है। तो यहाँ पे मम्मी पापा का भी पूजा समाप्त हो गया इसलिए मैं अपने रूम आ गई अभी जस्ट प्रणाम करके, और आए हैं और ईशु भी गए हैं प्रणाम करने के लिए, उसके बाद फिर अब मैं लगती हूँ अपने कामों में क्योंकि सुबह कोई सारे काम होते हैं और एक भी काम अगर समय पे नहीं होता है तो सारे काम उसके चक्कर में लेट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे पापा का लंच भी पैक मैंने कर दिया है और ईशु को भी दूध मैंने दे दिया, इससे सुला लूंगी उसके बाद फिर दूसरा काम करूंगी। कोई बोल रहे थे कि ईशु लड़की की ड्रेस में अच्छी नहीं लगती है, एक्चुअली मैंने बचपन से इसे लड़की की ड्रेस पहनाई ही नहीं है इसीलिए। और दीदी तो खाना बना रही थी तो आज ईशु को मुझे ही रखना था, और आज देख लो 9 बजे हम लोग चाय पी रहे क्योंकि आज सुबह से पूजा था, मम्मी को सब चीज करना था इसीलिए लेट करके चाय बना। तो मम्मी तो बोली थी मुझे चाय बना लेने के लिए, बट मुझे खुद से बना के अच्छा लगता ही नहीं, और गैस जैसे ही खाना बनाने आई यहाँ पे क्या देखती हूँ ना कि गैस ही खत्म हो गया, तो मैं वेट कर रही थी अब सिलेंडर आ जाए क्योंकि एक एक्स्ट्रा सिलेंडर नीचे हमेशा रहता है, तो मैंने सोचा चलो बैठे बैठे तो टाइम वेस्ट करने से ठीक है कि लंच पैक कर दूँ इसके बीच में, तो मैंने पापा जी का यहाँ पे साथ में लंच भी पैक कर दिया तो टाइम की भी बचत हो गई। तो ऐसे ही छोटे छोटे काम टाइम बचत करके कर सकते हैं। तो पापा जी अभी इसको बोल रहे थे कि इस आदमी को किला के सिलेंडर ऊपर कर देने, तो भैया ने ला भी दिया सिलेंडर और फाइनली गैस चल गई है। मेरे 2 सब्जी तो बन ही चुके थे, बस एक ये पापड़ सेकना बाकी था और एक सब्जी बनाना बाकी था। पापा जी को मैं हमेशा पापड़ सेक के ही देती हूँ क्योंकि हम लोग तो जब भी खाते हैं पापड़ हमेशा तल के ही खाते हैं, बट पापा जी को मैं ज़्यादातर इसे सेक के ही देती हूँ, तो ये सब हेल्थ के लिए ज़्यादा बेटर होता है, ऐसे ऑयली ज़्यादा वैसे भी किसी को भी नहीं खाना चाहिए। मेरा पापड़ भी हो चुका है, पापा जी को ले दूंगी, ऐसे तो पापा जी को मैंने खाना भी दे दिया था ऑलरेडी। तो और यहाँ पे मैं आई हूँ, अब खाना तो मेरा बन ही चुका था, तो यहाँ पे आई हूँ मैं साड़ी वगैरह अरेंज करने क्योंकि मुझे 2 साड़ी सिलने के लिए देना था, तो दीदी को दे दूंगी, दीदी जाके टेलर के पास दे आएंगी। अभी तक डिसाइड भी नहीं किया था कि कैसा डिज़ाइन कराना है, तो वही मैं बैठ के सोच रही थी कि कैसा डिज़ाइन कराऊंगी, कौन सी साड़ी का कैसा डिज़ाइन कराना है। तो ये हो गया है मेरा पैक साड़ी वगैरह, और यहाँ पे कपड़े सारे सूखे हुए थे, ये हो गया है। सो लंच तो बनके रेडी हो गया, बट बनने वाला है एलिफेंट फूड की सब्जी, बट सुबह को ही उसको बॉईल कराने मैं दी हूँ, बट अभी तक लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक बॉईल नहीं हुआ है जरा। और यहाँ पे किचन में देख लो सारे डब्बे दीदी धो रही थी क्योंकि आज पूरा किचन अच्छे से धोना है। और ये रहा हमारा ओल का सब्जी, इसे तो हम लोग अपने भाषा में ओल की सब्जी ही कहते हैं, तो 2 घंटे से ज्यादा हो गया था बट ये अभी तक पका नहीं था। तो नीचे समाप्त हो गई है और मुझे लग रही है बहुत जोड़ों की भूख, मैं सबसे पहले अपना नाश्ता कर लेती हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ऐसे तो सब डाइनिंग टेबल पे खाना पसंद करते हैं, बट मैं यहाँ पे बालकनी में खा रही हूँ क्योंकि मैं भूत के जैसे अकेली डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल भी नहीं खा सकती, बट जब साथ में सब बैठते हैं तब मैं डाइनिंग टेबल पे सबके साथ बैठ के ही खा जाता है। तो मैंने खा भी लिया यहाँ पे, और किचन पूरा बिखरा पड़ा है क्योंकि दीदी कर रही थी साफ सफाई, किचन की चल रही है और पता नहीं कब तक होगा ये।
और कल से कल से फास्टिंग स्टार्ट है नवरात्रि की, इसलिए आज से किचन धुल रहा है, तो कल से पूर्ण तरीके से एकदम लहसुन प्याज मेरे घर में बंद हो जाएगा। बट आज से बिल्कुल ही लहसुन और प्याज खत्म हो जाएगा और आज से बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। ईशु भी अब आ चुकी है मेरे पास, तो ये सुबह से अपनी दादी के पास थी तो, और इसके मैंने स्कर्ट खोल दिया क्योंकि अभी गर्मी में ज्यादा कंफर्टेबल वो सब नहीं रहता, तो वो जितना कंफर्टेबल रखो वही ठीक है। और इसकी मस्ती पूरा चल रही है, यहाँ पे आने के बाद ही इसकी मस्ती स्टार्ट हो जाती है, ये समझ जाती है कि मेरा रूम है तो बस पूरे बेड पे ये इधर से उधर करने लगती है। अब ये धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा नाटक करने सीख गई है, बस इसके फेस एक्सप्रेशन आप लोग देखना, इतनी ज्यादा एक्सप्रेशन देती है ये झूठ मूठ का नाटक। इसका मैंने टॉप भी खोल दिया क्योंकि इसने उल्टी कर दी थी, और अभी तक इसने सुबह से 3 कपड़े बदल चुकी है, एक पीछे रहा, एक जो मैं पहनाई थी और उसको खोल के अभी मैं दूसरा पहना चुकी हूँ उसको। गंदा काम करती हूँ, हाँ बस तुम डांस करती रहो। लंच करने जाएंगे है ना, चलो खाओगी? तो मैं दोपहर को इसे हल्का फुल्का चावल खिलाती हूँ हर दिन, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं खिलाती बट थोड़ी सी क्वांटिटी में इतना सा खिलाती हूँ मैस करके। मैं चली अब ईशु को लेके इसे चावल और दाल खिलाने के लिए, सब्जी में ज्यादा नहीं देती हूँ, सिर्फ हरी हरी सब्जियाँ देती हूँ, आलू ज्यादा नहीं डाइजेस्ट कर पाती है ये। तो आप लोगों को लग रहा होगा ऐसे कि मैं बाएं हाथ से खिला रही हूँ, लेकिन नहीं, मोबाइल में ऐसा लगता है ना कि दाहिना हाथ ही बायां लगता है, तो मैं अपने दाहिने हाथ से ही इसे खाना खिला रही थी। की हो चुकी है तो मैं अब इसे पानी पिलाती हूँ थोड़ा थोड़ा, वो भी इसी के दूध के डब्बे में ही भर के पिलाती हूँ, ऐसे तो नहीं पी पाती है ग्लास वगैरह से, मैं बॉटल में ही पानी भर देती हूँ और वही वाला पिलाती हूँ। एक्चुअली मैं इसके लिए अलग से पानी गर्म करके रखती हूँ वो थर्मो स्टील बॉटल में, तो वही पानी मैं हर रोज इसे पिलाती हूँ थोड़ा कभी कभी। हमने फाइनली अपना लंच कर लिया है दोनों मम्मा और बच्चा ने, और अब हम जाएंगे सोने के लिए। ईशु ने तो खेलने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बट आज ईशु ने पहली बार पापा बोला है, सो मैं इसे वीडियो में रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ, तो अब ये बोल ही नहीं रही है। नो नो नो, ईशु पापा से पापा, ईशु से पापा, नखरे दिखा रही हूँ मैडम, पापा बोल भी दो अब, देखो मामा नहीं हाँ पापा बोल दी। ईशु प्लीज वंस मोर, बदमाश होते हैं जब उनकी मर्जी होगी वो, तभी वो चीज बोलते हैं या करते हैं, बस दूसरे के हिसाब से अपना कभी कुछ नहीं करेंगे। शु बोलो कि सुको सुलाते में कब सो गई पता भी नहीं चला, और ये रात हो गई है, शाम हो चुकी है और दीदी ने पूरा किचन साफ कर दिया था, ये देख लो तो शाम हो चुकी है, घर के बाहर एकदम पूरा अंधेरा हो चुका है। ईशु अभी लगभग 2 घंटे के बाद फील्ड से खेल के आई है, एक्चुअली इसके चाचा लेके चले गए थे इसे खिलाने के लिए, तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि ये अपने चाचू के साथ चली गई है, तो मैं घर में ढूंढ रही थी तभी इसके पापा ने कहा कि हाँ इसके चाचू लेके चले गए, और 2 घंटे के बाद खेल के अभी वापस आई है ये लड़की, और पूरी की पूरी गंदी बन के आई। हर शाम को मैं इतने प्यारे प्यारे भजन बजाती हूँ ना कि मेरे मन को एकदम लगने लगता है कि हाँ दुर्गा पूजा आ गई, लेकिन एक बात है कि मैं अपने मायके की दुर्गा पूजा को बहुत मिस करती हूँ बहुत। ऐसे तो मेरे ससुराल का दुर्गा पूजा ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा होता भी है एक्चुअली, यहाँ पे ज्यादा मन लगता है, बट फिर भी मुझे मेरे मायके की बहुत याद आती है कि एक बचपन से वो जहाँ पे जो त्योहार मनाया हुआ रहता है उसको वही वाला ज्यादा बेटर लगता है, तो वही मेरे साथ भी हुआ है। तो रात हो गई थी और बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है, तो मैं सोच रही थी सारी शीशे लगा दूं, बट यहाँ पे मैं शीशे में खुद को ही देख रही थी। एक्चुअली ये जो शीशा है वो रात को मिरर टाइप का काम करने लगता है, तो बाहर से तो कोई नहीं देख सकता बट अंदर से सब चीज दिखता है। चलिए चलते हैं, अब मैं रात की डिनर की तैयारी करने चलती हूँ, और आप लोगों का मेरे ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।